रुपए का है, 8910। छोड़ो ना, हाथ छोड़ो। कितने बोले? सुनो, हाँ एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डुगू को उठाने के कारण ना मुझे इस साइड में काफ़ी दर्द होता है, ये वाली जगह पे। तो डुगू को मैंने अभी सुलाया है, राजा ऑफिस गए हुए हैं और मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी काम करके गई है। तो थोड़ा बाहर चलते हैं, पता है आपको बाहर ना ठंड है आज। आज मुझे लगा कि आज डुगू को ना मैं बाहर लेटाती हूँ जाके स्विंग में, तो मैं उसकी स्विंग लगाई। स्विंग लगाने के बाद मैं उसे बाहर भी नहीं लेके आई क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी। स्विंग लगा के रखी हुई है, मुझे यहाँ पर वैक्यूम करना है और मौसम देखिए बस। तो कपड़े मैं ड्रायर में रख के आ गई। पता है मुझे डुगू की और बाजू में एक बच्चा है उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो लगता है डुगू है पर वो थोड़ा बड़ा है, आई थिंक वो 2-3 साल का है और डुगू 6 महीने का, थोड़ा अंतर है। पर कई बार लगता है कि वो रोया है डुगू की आवाज़ है, तो मैं ना थोड़ा काम ही कर रही हूँ। आज डुगू के 6 मंथ के इंजेक्शन भी लगने हैं, उसके लिए जाना है हमें, क्योंकि फिर इसका हम थोड़े टाइम में मुंडन करा रहे हैं क्योंकि 14 आ रही है, तो उसका मुंडन भी कराना है। तो इसके भी इंजेक्शन लगवाने हैं हमें, क्योंकि उसके बाद उसकी थोड़ी सी तबीयत वो रहती है। और इसकी थोड़ी सी जो नेक है उसका आई थिंक मैंने बताया था, बट हम लोगों का भी डाउट होता है, तो वो नेक आराम से घुमा रहा है, तो हमें लगा कि लगे हाथ हम डॉक्टर को वो भी दिखा देंगे, इसकी नेक में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये काफ़ी प्रेशर भी वो कर रहा है, लेकर से आवाज़ करता है, वो भी दिखा देंगे। तो 3-4 चीज़ें सोच के रखी है। डायपर रैश हुए थे इसे, वो अब सही हैं। मुझे आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी एडवाइस दी, कैंडिड डस्टिंग पाउडर, वेस्लिन, कोकोनट ऑयल एंड वेस्लिन सच में बहुत अच्छे से काम करती है। कोकोनट ऑयल एंड कैंडिड डस्टिंग पाउडर इज़ वेरी गुड। हिमालय की डायपर क्रीम जो है वो मैं डुगू को 6 महीने से यूज़ करी, स्टिल मैं इसे यूज़ करती थी, बट फिलहाल जो है वो उसे सूट नहीं हुई, मतलब उससे कुछ भी काम नहीं हुआ, मतलब वो काम नहीं करी इस बार डुगू को हिमालय की डायपर रैश क्रीम। मेरे को लगा कि ना कि मैं उसके बहुत फ्रीक्वेंट डायपर चेंज करती हूँ, उसे डायपर फ्री रखती हूँ। इवन कल रात को वो डायपर फ्री सोया, फर्स्ट टाइम उसे मैं उसकी जो पजामी है, लो पजामा होता है, उसमें सुलाया मैंने। और डुगू रात में सिर्फ एक बार पी करी थी उसने, अराउंड 3-4, उसके बाद फिर वो उसे सुबह पी करी थी, मतलब इतना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी नहीं करता। तो मैं उसे कल रात को फुल डायपर फ्री रखा था कि यार अब ना हो, पर हल्की हल्की से जो रेडनेस है ना वो है वहाँ पे, पर एक जगह तो थोड़ा छिल भी गया था, इतना बुरा हो गया था कि मैं आपको कंडीशन नहीं बता सकती। मेरे को लग रहा था भगवान जी मुझे ट्रांसफ़र हो जाए पर इसको सही हो जाए, इसको बहुत ज़्यादा वो होता, और वो रिएक्ट भी नहीं करता था, तो बच्चे से नहीं, मतलब वो रिएक्ट भी नहीं करता। पता नहीं डुगू जो है ना उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, इंजेक्शन लगता है तो तभी रोके एकदम शांत फिर खुश, वो एकदम ऐसा रहता, फीवर में भी ऐसा है, टचवुड जो भी है। उसके बाद क्या हुआ, वो काम नहीं करी है उसको, तो फिर मेरे को लगा मे भी ये हो सकता है कि कई बार आप जो टिश्यू यूज़ कर रहे हो, जो वाइप्स यूज़ कर रहे हो, वो से सूट ना हो रही हो, जबकि वो वाइप मैं 6 महीने से यूज़ कर रही थी। तो मैंने इस बार मीमी की जो वाइप्स है वो मंगवाई है, अभी तक मैं उसे लिटल्स की यूज़ कर रही थी, लिटल्स की भी अच्छी थी। फिर मैंने अभी पता क्या करी, मैं वाइप्स बंद करके गर्म पानी लेती हूँ और गर्म पानी में हर टाइम फ्रेश क्लोथ लेके उससे क्लीन कर रही हूँ मैं, क्योंकि ठंड भी है और मेरे को वाइप्स पे भी डाउट हो रहा था, तो वही मैंने वो कर दिया कि अब जितना बेस्ट अपने बच्चे के लिए कर पाऊँ। मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को पता देख के इतना डर लग रहा था। आपको 10 चीज़ हो जाती है आप बता देते हो, बच्चे को 10 चीज़ होती है बच्चा बता नहीं पाता, तो वही था। तो चलिए अभी राजा आएंगे, कब तक आएंगे, आज रात को इंजेक्शन लगवाते हैं हम इसको, और इसकी मैं एक फीडिंग चेयर भी लेके आनी है मेरे को, वो भी देखती हूँ आज लेके आ पाती हूँ नहीं ले पाती। और मेरे को कुछ बिब्स खरीदने हैं, तो काम बहुत सारा है। और आपको पता है आप उठ गए, तो मैं नहाने जाने वाली थी और ये डुगू उठ गया और उसने ड्राई शीट खींच ली अपनी यहाँ पे, ऐसे करते हो गुड मॉर्निंग। तो इसकी नाप हो गई है दोपहर की, विद बेबी नहाना खाना सब बहुत मुश्किल है, 3-4 महीने तक फिर भी सही, स्टार्टिंग के पता नहीं मुझे बहुत इजी लगे यार, जो लोग कहते हैं ना डिस्टर्ब नींद वगैरह, तो हम लोग ऐसे थे कि हम लोग को ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता था नींद से कि हाँ जो लेट हो गए हो गए, बट अब फिलहाल जो है वो अकेला नहीं रहता है। डुगू को हम लोग मोबाइल और टीवी की आदत, टीवी ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बोलूँगी कि हाँ यार नहीं देखते हैं, क्योंकि हम चलाते हैं तो इसकी नज़र जाती है वहाँ पे, तो एकदम भी आप नहीं रोक सकते हो ना,
क्योंकि वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है. पर इसको ऐसा चाहिए कि इसे मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक चाहिए ही है ऑल टाइम, जो उसके पास में रहे. बच्चा टेंशन मांगता है, खेलता रहता है, उसे पास में लेटे रहो खेलता रहेगा, बैठा रहेगा खेलता रहेगा, पर आप लोग घूमते रहो. अगर मैं 3 घंटे और मैं इसे वहाँ पर रख लेती हूँ किचन में इसके रॉकर पर, देन ही इज़ लाइक 2-3 घंटे आराम से बैठे खेलता रहता है. तो उसके साथ यही है कि इसको अपने पास रखना है बस. तो अब मेरे को जो वीडियोज़ वगैरह शूट करनी है, मुझे कुछ मेकअप की वीडियो लाइक हल्दी वल्दी के लुक करने थे, तो आपको पीछे डुग्गू दिखेगा. और मुझे पता है कि बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से, पर कोई ऑप्शन नहीं है ना, बच्चा छोटा है और कोई देखने के लिए नहीं है ऐसे, क्योंकि राजा ऑफिस चले जाएंगे तो फिर मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना डुग्गू? अब मैं डुग्गू का अकेला थे ना छोड़ दूँगी. मी जाने ओ ये तो ये फुटबॉल मैच चल रहा है आपका, तो इसके लिए ना इस कॉट का बिस्तर भी लेके आना है, है ना? तो आज है डुग्गू का इंजेक्शन डे. डुग्गू कहाँ जा रहा है? फाइल में लिखा हुआ है कि एक ही लगना है, फ्लू का इंजेक्शन लगना है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. डुग्गू वैसे रोता तो है नहीं, डुग्गू स्ट्रॉन्ग बेबी है, शक्तिमान है डुग्गू, तो डुग्गू तो बाहुबली है. तो आपने लास्ट हमेशा से देखा होगा वीडियो में, देखा है कि ज्यादा रोता नहीं डुग्गू, थोड़ा सा अपना ऐसा लगता है चीज. उल्टा बोल दिया, टच लेट हो गए. तो डुक्कू को पूरा ढक के ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है एकदम से. 2 दिन बीच में ठंड नहीं थी और आज फिर से ठंडी लहर चल रही है. क्यों, क्या चल रही है शानी? ठंडी लहर निकल रहा है, देखो ये निकल, देखिए धुआं निकल रहा है, इससे पता चल रहा है कि आज ठंडी है. तो अब हम लोग जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने. बेबी चले, वहाँ पे दवाई दुकान है. अरे बेबी आजकल नहीं हंस रहा. छोड़ो ना हाथ, छोड़ो. ये ना इसकी जो नेक में एक साइड ऐसा लगता है झुकी हुई है. बच्चा अपने पलंग के सामने ऐसे देखता है, उधर टीवी लगा है, उसका आवाज में उधर ही उधर आती है, उसकी एक टेंडेंसी हो जाती है उस तरफ. उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सही है. और एक ये प्रेशर वाला साउंड बाकी टाइम पे 2 इंजेक्शन लग रहे थे और एक एक ड्रॉप जा रही थी रोटा वायरस वगैरह की. तो अब इसे फ्लू का इंजेक्शन लगा है, अब इसे लगेगा 7 फरवरी को एक और फ्लू 2 लिखा है उन्होंने वो इंजेक्शन. उसके बाद शायद 9 मंथ था, मेरे को लगा 6 के बाद डायरेक्ट 9th लगेगा, पर उन्होंने बोला नहीं, 1 महीने बाद फिर से फ्लू का सेकंड वाला जो डोज रहता है वो लगेगा. और इसको इंजेक्शन लगवाने से बहुत जरूरी थी, फ्लू थोड़ा सा कोरोना वायरस टाइप का ही हो गया ना, तो मेरे को लगा कि ठीक है पता नहीं उसी से प्रोटेक्शन है या नहीं, पर कोरोना वायरस का इंजेक्शन नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं बना है. बट ये जो इंजेक्शन है ये मंथली रहते हैं, तो ये रिपोर्ट मेंटेन करनी बहुत 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 ज़रूरी होती है. तो मैं इसको रख रही हूँ, तो सारे इंजेक्शन जो हमें टाइमली लगवा लेते हैं, अब बस ये हो रहा है. तो वो फीड कर रहा है, रारा फीड करा रहे हैं उसे, मतलब कि उसने शाम को मैंने उसे फॉर्मूला नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि शाम में उसको लेके जाना है क्या बोलते हैं उसके लिए इंजेक्शन के लिए. तो क्या हुआ, मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं डॉक्टर से पूछूंगी इसकी सेमी सॉलिड जो है वो शुरू करनी है. थोड़ा लेट हो गए हम लोग, पर मैं सोच रही हूँ कि 14 तारीख तक इसका जो अनुप्राशन है वो करा देते, क्योंकि दिन भी थोड़ा शुभ रहेगा और इसे मामा भाजी बोलते हैं, मामा कराते हैं और मामा ही कराएंगे. तो मैंने सेमी सॉलिड के लिए पूछा, क्योंकि अद्विक हमारा पहला बच्चा है,
पहले बच्चे से आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता है, तो फिर दूसरा बच्चा थोड़ा इजिली हो जाता है हैंडल, या आपको थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाता है ना. पहले आप बहुत पैनिक होते हो अगर आप नए नए पेरेंट्स बने, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ होगा डॉक्टर, कुछ भी होगा डॉक्टर. तो उसको स्टार्टिंग में बहुत डॉक्टर की विजिट कराई थी 1-1.5 महीने, और आपको पता है उस टाइम पे भी जो हुआ पर ठीक था, कुछ पता चला जो नहीं पता चला था, पर उन सब चीज़ों को हम नहीं सोचते हैं, लाइक वेरी नॉर्मल, अभी एकदम नॉर्मल है. तो उसका वेट जो हमने किया वो 8.9 एंड 8.6 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा था, तो हम लोग उसे 8.6 लेके ही चल रहे. तो डॉक्टर से पूछा कि क्या करना है सेमी सॉलिड का, जैसे उन्होंने बोला किसी से खिलाना शुरू करिए, तो उन्होंने मना किया है दूध बिस्किट और सेरेलेक. हाँ वो ओवर फीड हो रहा था, मेरे को लग रहा है अब 150 दे रहे हैं, 150 बढ़ाया, 30 ml बढ़ाया है. तो उन्हें सेरेलेक मना किया है ना, सेरेलेक और क्या बोलते हैं दूध और बिस्किट, ये दो चीज़ उन्हें बोला है नहीं देना. इससे क्या होता है जो बच्चा है तो वो प्रॉपर घर का खाना खाने में आगे चल के दिक्कत करेगा. तो उन्हें बोला कि आप स्टार्टिंग करिए घर ही से दलिया सा, या दाल का पानी, या दाल जो है वो बॉयल करके उसे पीस के, मूंग दाल ठीक है, और खिचड़ी पूरी, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि लिक्विडी फॉर्म में, लाइक ऐसा नहीं कि खिचड़ी खा रहा है सॉलिड टाइप की, वैसा नहीं. हाँ और सूजी जो है वो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर है कभी आप सूजी का बना रहे हो फॉर्मूला में, तो उसको फॉर्मूला 2 दूंगी मैं. अभी काउ मिल्क सोच रही थी पर काउ मिल्क पे अभी भी शुरू नहीं कर रही, मेरे को लग रहा है कि डाइजेशन अभी सूट हो रहा है ना, अभी तक ठीक है. फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ आपको एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि आपको वीकली अगर वो खरीदना पड़ेगा, पर फिर भी वो सही है फॉर्मूला, क्योंकि तो काउ मिल्क का मुझे अभी ऐसा कुछ पता नहीं है, तो काउ मिल्क अभी नहीं पता चला, हम पता नहीं कर रहे. तो उन्हें घर के खाने से बोला है, और जैसे फ्रूट की हो गई तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई बनवा के लाई हूँ कि क्या क्या दे सकते हैं. बेबी कैसे लगा इंजेक्शन लगवा के आपको? तो मैंने इसको ये पहना दिया है, और ये जो है इसमें ये है डायपर फ्री, तो ना मैं इसके ना ये पजामे यूज़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि ऐसे रेगुलर यूज़ नहीं होते, अभी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इन्हें. तो इसे मैंने बिल्कुल डायपर फ्री रखा हुआ है, इससे मुझे इसकी पी इंटेंसिटी भी पता चलती रहेगी कि कितने कितने घंटे में पी करता है ये कितने कितने मिनट में पी करते है. हाँ आपको दवाई देनी है अभी, तो अब मैं इसको इसकी पैरासिटामोल दे रही हूँ, इसके बाद से ना थोड़ी हरारत वगैरह होगी तो वो आप, चलो आप बोल लो. तो डॉक्टर से मैंने पूछा ये आवाज के बारे में, उन्होंने कहा कि नॉर्मल है. गर्दन के बारे में भी उन्होंने कहा कि क्योंकि ये एक साइड ज्यादा देखता होगा इसलिए वो सही हो जाएगी, ऐसे नेक प्रॉब्लम भी नहीं है. तो बहुत सारे डाउट थे वो क्लियर भी हो गए, इंजेक्शन भी लग गया. आई मैं इसकी शिकायत करूंगी, नो नो देती हूँ दवाई. यम 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 ये दे देना, देना गिराए ना है ना. यम 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 बच कैसी थी? इसका चेहरा तो देखो, टीटी आ गई. मम्मा यम 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 नहीं थी. चलो को चेहरा साफ कर देते हैं दवाई के बाद. दादा कैसा तेज था? गोगो टेज था. बोलो कैसा थे? डरा ये सीटी से बहुत डरता है कुकर की. माँ माँ बोलो माँ 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 मम्मा बोलो मम्मा माँ. ये माँ पे हंसता है, पता माँ बोलते नहीं, माँ हंसता माँ. मेरे को आलू के ना अभी मटर और क्या बोलते हैं मूंगफली के सैंडविच बड़े अच्छे लगते हैं.
दुख रहा है पैर में, फीवर नहीं है पर इसे दवाई दे दीजिए। सो गया तो उठ गया, पूरा गीला कर दिया इसे, खाना भी नहीं खाया है, नीचे डाल के रखा है पूरा। बच्चे तो बलून से खेल रहे हैं ना, खेल लो। ओ पड़ी खेल लो बलून से। ये बता हमने ये क्रिसमस के लगे हुए हैं हमने, इसके इस पर बर्थडे बर्थडे पे जो था नहीं लगवाया हमने, एकदम बस केक हम लोगों ने बनवा लिया था और बस ये कि हमने सेलिब्रेट कर लिया था और हाय रब्बा, तो बस ये। और अब जो बेबी है वो भला बोला है मेरा, तो मैं एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बेबी स्ट्रेस में रहे, बिल्कुल स्ट्रेस में रहे। आप जितना हैप्पी रहोगे आपका बच्चा उतना हैप्पी रहेगा, तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे, है ना। गुड मॉर्निंग, तो मेरी हाउस हेल्पर भी काम कर रही है। ये अभी बहुत हो रहा है, पूरी रात निकल गई फीवर में, पर हरारा ज़्यादा ये वाले इंजेक्शन में। पहले वाले इंजेक्शन में इतनी दिक्कत नहीं हुई ना, इसमें ऐसा था कि सोया ही नहीं, अभी इतना रो रहा था फिर मेरे को लगा थोड़ा घुमा देती हूँ, मतलब किसी भी तरह से चुप नहीं हो रहा था, दवाई भी दे के रखी फिर भी चुप नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको जगाया है, मतलब कि थोड़ा घुमाया तो जगह तो थोड़ा सही फील कर रहा है, वैसे बहुत तेज फीवर है, पूरी रात नहीं सोई, मेरी आँख से आपको दिख रहा होगा पूरी रात मेरी निकल गई, मुझे नींद नहीं हो रही, फिर समझ में आया कि माँ बनना क्या होता है। तो ये बस मेरी हॉस्टल में काम कर ले, फिर हम चाय वाय पीते, थोड़ी आँखें खोलती हूँ मैं, कहीं रेस्ट करना पड़ेगा मुझे आज, अगर डुगू सोएगा तब। हंसते हर्षा फीवर में कैसे हंसते हैं बच्चे, तो इसके लिए पट्टी के लिए पानी रखा हुआ है, तो इसको गर्म पट्टी भी करनी है, पर अभी थोड़ा घूम रहा है, लगा कि अच्छा फील कर रही है थोड़ा सा, इसकी बॉडी बॉडी पेन कर रही है, करा बहुत रहा है, कोई रात करा रहा था। तो धूप निकली थी, मुझे लगा मतलब अभी भी निकली हुई है, मुझे लगा कि इसे ना क्या बोलते धूप में थोड़ा सा लेटा देते हैं जाकर, पर हवा बहुत ठंडी चल रही है तो इसे वापस हम घूम नहीं लिया। तो अभी इसका डायपर चेंज करके इसको मैं मसाज नहीं करूँगी दो दिन, और मैं सोच रही थोड़ी सी ड्राई क्लीन टाइप लाइक स्पंजिंग कर दूँ। और राजा कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ क्योंकि फीवर है, तो मेरे को भी लग रहा है कि हाँ अभी रुक जाते हैं। अभी थोड़ा फीवर डाउन हुआ है इसका, और अभी इसको दवाई देंगे और सुलाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं इसका फुल वाला पहना रही हूँ, क्या बोलते हैं लोअर, और सुला रहे हैं। मम्मी थोड़ी ना खाऊंगा मैं, पूरी रात ही सोया है, पता मुझे है यार। तो नहीं पर तुम सोए हो, एक चीज बताओ मुझे। हाँ बहुत अच्छे से बताओ, सुना तो तेरी बोल के सुना, देखो बता रहे ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुना कड़वी सच्चाई है कि 6 महीने में मेरे को नहीं लगता है। तो आपके लिए इसके लिए आपको सलाम करता हूँ मैं, कि 6 महीने में मेरे को नहीं लगता कि मैंने अपनी एक रात भी मेरी नींद डिस्टर्ब हुई होगी। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी कभी बात है। इनको मैंने ऐसे नहीं पता ही नहीं चला आज तक, ये 6 महीने में एक बार भी रात में उठे नहीं है, मतलब ऐसे। अब तुम्हें दिन में वो क्या होता बता रही मैं आपको, कि जैसे ही रोता है कुछ होता है, क्योंकि माँ तो साथ में सोता है ना मेरे, तो जितनी बार भी रोता है कुछ होता है तो मैं फटाफट से सुलाने की कोशिश करती हूँ, या मैं ये कि वो सो जाए। कल कोई रात की जितनी बार उठा होती है जोर जोर से रोया है, मुझे पता भी नहीं चला, और राजा को पता भी नहीं, और उसे हरारत बहुत हो रही थी, तो मैं साइड चेंज कर करके कभी बैठ के आज सुबह यहाँ पे राजा उठे हैं 8:30 बजे के आस, नहीं 7:30 बजे उठे हो तुम, है ना। फिर तुमने इसे गोदी में लेके तब इनने किया, तब भी ये नहीं रो ही रहा था, फिर राजा ने मुझसे बोला कि चिपक के रहेगा, तो ये ऐसे कॉट में सो जाता है सुबह, हम लोग जब उठते हैं तो उसे हम कॉट में कर देते हैं ताकि हम बिस्तर बिस्तर कर ले और ये सेफ भी रहे। ओवरफीट मत कराना, जितना खाना है उतना ही पीना, फीवर है ना तब पीना उतना खिलाना, एक बार बस ट्राई करो, बंद मत करो, देखना नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना।
हार्डनेस रेडनेस स्लाइटली राइट हेडेक तभी शिवरिंग टायर्डनेस हाँ शिवरिंग भी हो रही है टायर्डनेस ये थक लगाना नहीं कर सकते लगा लो पर अब ले ही आओ ना फीलिंग जनरली वो ये ना तो जैसे लाइक बहुत ही खतरनाक है मेरे को बहुत हर माँ को बहुत डर लगता है जब इंजेक्शन वाला टी रहता है माँ की सब बातें करते हैं पापा की कोई बातें नहीं करती पापा को भी उतना ही डर लगता है तो चलिए अब मैं करूंगी आप इस वीडियो को एंड देखते हैं नहीं सोने को तैयार है।